आपने एक गाना तो जरूर सुना होगा जिसमें दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी कहा जाता है। सच में दिल बच्चा है और एक बच्चे को जैसे देखभाल की जरूरत होती है वैसे दिल की देखभाल करनी चाहिए, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें अपने दिल के लिए खानी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर चेकअप भी करना चाहिए कि हमारी जो दिल की स्थिति है वो कैसी है, कहीं हम हार्ट अटैक के जब गिरफ्त में तो नहीं आ रहे। इसको लेकर हमें काफ़ी अपने खान पान में सुधार भी करनी चाहिए। इसके अलावा युवाओं में जिस प्रकार से हार्ट अटैक बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक समय के बाद हमें हार्ट अटैक से रिलेटेड संबंधित जांच वो करानी चाहिए। इसके अलावा वजन घटाना चाहिए और धूम्रपान बंद करना चाहिए। व्यायाम हमारे रोजाना जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो रोजाना व्यायाम कर हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कुछ अपने हार्ट यानी दिल को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं, इसको लेकर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुंतल भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सो हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक एक बार बचपन में या कम उम्र में हो जाएगा तो उसमें पेशेंट का लॉन्जिविटी कम हो जाता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सारे बीमारी में बोलते हैं। इसमें हार्ट बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि सारे ऑर्गन में जो ब्लड पहुँचता है, चाहे ब्रेन में, किडनी में, शरीर के हर कोई ऑर्गन में, वो हार्ट से पहुँचता है। जो हार्ट का पंपिंग बहुत एसेंशियल है। नॉर्मली हार्ट अटैक रुकने के लिए, हेल्दी हार्ट रखने के लिए 5 टिप्स है। 5 टिप्स में फर्स्ट है वेट रिडक्शन। अगर बहुत मोटापा है तो उनको वेट रिडक्शन करना चाहिए, आइदर बाई डूइंग सम डाइट और नहीं तो उनको डेली एक्सरसाइज करके। सेकेंड है स्मोकिंग सीजेशन। कोई भी टोबाको, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो या गुटखा हो, उसको अवॉइड करना है। देन डेली एक्सरसाइज करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा चीज़ और फैटी डाइट, फ्राइड आइटम्स जो भी है ये सब कम लेना है। और सेकेंड पीरियोडिक चेकअप में जाना है। एक सर्टेन उम्र के बाद पीरियोडिक चेकअप में जाने से पहले ही डॉक्टर लक्षण देख के वो पता लगाता है कि ये जांच करके तुम्हें पता लगाना है कितना रिस्क है। एक पेशेंट को रिस्क ना हो सकता है, वो रूटीन जांच करके वापस चला आएगा, लेकिन दूसरा पेशेंट का रिस्क बहुत हाई हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्टिव दवाई दिया जाता है। जैसे कि अर्ली डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है, तो डायबिटीज़ का दवाई पहले से इलाज स्टार्ट हो जाएगा तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जिसको हाई है उसको प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल का दवाई खाने से हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है।